गंदा पानी है, देखो उल्टा होके 12 दिन हम लोग से पूछना, मैंने कितने बार फोन की, राशिद को पूछना, मैंने जाके तुझे दिखाई कि नहीं दिखाई, जब ओवर हो गया ना मेरे को बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैं ये काम कर दूँ। मैं हूँ सलामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। इस समय मौजूद है मुमरा के आज़ाद नगर में, ये वार्ड क्रमांक 32 बा है। आप यहाँ मेरे पीछे देख सकते हैं, ये ठाणे महानगर पालिका का शौचालय गृह है। ये जो ठाणे महानगर पालिका का शौचालय है उसकी हालत इतनी ख़राब है कि यहाँ पर कोई भी दरवाज़ा नहीं है। ये वो शौचालय है कि ये दरवाज़ा जो है टूटा हुआ है पूरा, ये दरवाज़ा टूटा हुआ है। यहाँ पर जितने भी शौचालय हैं इनकी कंडीशन जो है बेहद ही ख़राब है। हम आपको बताएंगे, ये जो ग्राउंड फ्लोर पर जो ये शौचालय आप देख रहे हैं, ये शौचालय जो है पुरुषों के लिए है, और इसके जो पहले मंजिले पर जो शौचालय है वो शौचालय यहाँ की महिलाओं के लिए है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इस शौचालय में कोई भी बिजली नहीं है। हम आपको दिखाते हैं, जो यहाँ पर देखिए आप मीटर लगा हुआ है लेकिन ये सब पूरा बंद पड़ा हुआ है, यहाँ पर कोई भी शौचालय नहीं। हालांकि इन्होंने शिकायत भी की है इस शौचालय को लेकर, लेकिन इस शौचालय को लेकर कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है, जिसके लिए महिलाओं को काफी तकलीफ उठाना पड़ रहा है। हालांकि यहाँ की जो महिलाएं है वो शौचालय को लेकर क्या कह रही है, हम उन्हीं से इस बारे में जानते हैं। जी मेरा नाम रिजवाना चौधरी है। तो अभी क्या करेंगे, नीचे की तो पूरी सब बाथरूम एकदम बंद हो गई है, तो जेंट्स बेचारे कहाँ जाएंगे, कहीं तो खुले में जा नहीं सकते, तो वो क्या करते हैं लेडीज के बाथरूम में ऊपर चले जाते हैं। जब देखते कोई लेडीज है तो थोड़ा हट जाते हैं, और हम लोग भी शर्म के मारे उठ के नीचे चले आते हैं जब बाथरूम जेंट्सों को जाने के लिए देते। और यहाँ पे डाइनिंग लाइन पूरी बंद हो गई है, वो पानी पूरा रास्ते में जा रहा है, 12 दिन हो गए। मैं शानू भाई के आदमी लोगों से इतना फोन कर करके बोल रही हूँ कि यहाँ पे पानी जा रहा है रास्ते में, देखो पानी जा रहा बाथरूम का, मगर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो यहाँ का नगर सेवक, यहाँ का नगर सेवक कौन है? शानू पठान। तो क्या ये शौचालय के बारे में आप लोगों ने उनको बताया? हाँ उनको बताया, उन्होंने आके ओपनिंग भी करके गए, बताया कि काम चालू हो रहा, काम भी चालू करे, आधा अधूरा काम करके गए, मगर बाथरूम क्या चालू नहीं हुई, नीचे का पूरा सब एकदम टूट गया। चानू भाई बोले कि बन जाएगा, तुम टेंशन मत लो, पूरा अच्छे से काम में करके दूंगा। कितना दिन हुआ ये बात बोले उनको कि बना कर? तीन महीने से उन्होंने बोल के गए, ओपनिंग भी करके गए, मगर आज तक बाथरूम का कुछ भला हुआ नहीं, ना कोई ध्यान दे रहा, ना कोई आके देख रहा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर? महिलाएं ऊपर जाती हैं शौचालय के लिए तो वहाँ पुरुष भी मौजूद रहते हैं, तो क्या ऐसा कभी कोई डर का माहौल? हाँ डर का माहौल हुआ था, हमारे साथ ही ऐसा हादसा हुआ था कि हम बैठे थे, अचानक में एक जेंट्स चढ़ गया, तो हमारे को भाग के आना पड़ा वहाँ से। और छोटे छोटे जवान जवान लड़कियाँ जाती, उन लोग कहाँ भागेंगे, बाइंसेंस अगर कोई किसी का अगर बच्चों का मुँह दबा देगा उसका जिम्मेदार कौन रहेगा? महानगर पालिका के ऑफिसर लोग आते हैं, मैंने उन लोगों से 10 बार बोली, सर ये कभी बनेगा, सर ये बाथरूम हमारी कभी इसको रिपेयरिंग करके देंगे, काम चालू है। ठेकेदार लोग बोलते हैं भाई हमको जितना बोले हम उतना ही काम करेंगे, हद से ज्यादा काम नहीं करेंगे, तो हम लोग जाए तो किधर जाए? शानू भाई को तो बोल बोल के थक गए, शानू भाई के कानों पे जू नहीं रेंग रही, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? तो सुना आपने कि जिस तरह से महिला बता रहे हैं कि इसकी शिकायत जो है यहाँ के स्थानीय नगर सेवक से जो है की है, लेकिन उन्होंने 3 महीने पहले इस शौचालय का उद्घाटन किया था, लेकिन उद्घाटन के बाद भी जो है अभी तक इस शौचालय की हालत बद से बदतर होती जा रही है। और जैसा कि इन्होंने बताया कि जिस तरह से यहाँ पर महिलाएँ जो है असुरक्षित अपने आप को महसूस करती हैं, तो और भी यहाँ पर महिलाएँ हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। ये जो शौचालय है इसको लेकर आप लोगों को क्या क्या तकलीफ आ रही है? बहुत तकलीफ है कि लेडीज जेंट्स अभी समझो एक ही में हो गई है, और बच्चियां जाने के लिए डरती है, और शौचालय का काम होने वाला सिर्फ बोल रहे काम नहीं हो रहा है, और उसमें हमारी जवान लड़कियां जाती है, उसमें लड़के जाते हैं, और हम लोग को यही डर लगा रहता है ना, खुदा ना खास्ता कुछ हादसा हो जाएगा तो उसके जिम्मेदार कौन है, जो नहीं बनाया वही है। शौचालय जो यहाँ पर है तो इसमें क्या बिजली है, लाइट नहीं है? बिजली भी नहीं है, पानी भी नहीं है। बाथरूम धोने के लिए आते हैं ना उन लोग नीचे, तो स्टार्टिंग में क्या करते हैं, अपना कैमरा ऑन करते हैं, मोबाइल का झाड़ू लेते हैं हाथ में, फिनेल की बोतल लेते हैं, ब्लीचिंग लेते हैं, डालते हैं और पानी मारते हैं, 2 बाथरूम ऐसा धोते हैं और उसकी शूटिंग उतारते चले जाते हैं। बाकी जितनी भी बाथरूम है सिर्फ पाइप से पानी मारते हैं, नीचे ऊपर पानी मार के चले जाते हैं। आपको कंडीशन लग रही है बाथरूम धुली भी, ऐसा लग रहा है 1 महीने से बाथरूम धुली भी नहीं है, हालांकि इन लोग रोज आते हैं, यही काम करते हैं रोज, एक बाथरूम में डालते हैं ब्लीचिंग, फिनेल की बोतल हाथ में लेते हैं, झाड़ू हाथ में लेते हैं, अपना कैमरा ऑन करते, शूटिंग उतारते और चल देते। स्थानीय नगर सेवक को सब मालूम है, उन्होंने आंखों से देखे आके, यहाँ पे खुद आके उन्होंने सर्वे करके गए, तो बोले अच्छा ठीक है तुम लोग को इतनी प्रॉब्लम है, तुम्हारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। तो जैसा आपने सुना कि जो ये शौचालय है ना, पर यहाँ दरवाजा है और ना ही बिजली है, यानी रात के समय यहाँ पर बेहद ही अंधेरा रहता है, जो महिलाओं के लिए कभी भी घातक साबित हो सकता है। हालांकि यहाँ पर शौचालय के साथ साथ जो है पानी की भी तकलीफें यहाँ पर आ रही है, जो ये महिलाएं बता रही है
कि यहाँ पर जो पीने का पानी है वो काफ़ी गंदा पानी आ रहा है। हम उन्हीं से जानते हैं कि जो पीने का पानी आ रहा है यहाँ पर वो कैसा आ रहा है। पीने के पानी में इतनी गंदी बास आ रही है कि इंसान भर नहीं सकता पानी, और यहाँ पर जो पानी आता है उसका प्रेशर इतना स्लो होता है कि गिन के चार लोगों को पानी मिलता है, पानी चला जाता है। और रात को जब वहाँ पानी आता है तो हम लोगों को इतनी गंदी बास है कि आप खड़े नहीं हो सकते पीने के पानी में। दो महीने पहले भी हमने यही शिकायत की थी नगर सेवक के लोगों से कि भाई ऐसी ऐसी बास आ रही है। तो वो जो आते हैं काम करने, शानू भाई के ही जो लोग आते हैं पानी का देखते रहे इधर, वो लोगों ने किया, फिर उसके बाद वापस वैसे ही हो रहा है। तब बताए हम लोग कहाँ जाएंगे पानी के, बोरिंग का पानी चार चार पाँच पाँच दिन मिल नहीं रहा है, नल का पानी हम लोग का पीने को है नहीं, तो पूरा एरिया जाए तो जाए कहाँ, ये बताए हम लोग पानी भरने के लिए। फिर ऐसा यानी जो पीने का पानी आ रहा है वो बेहद ही गंदा आ रहा है, जो बास इतनी गंदी बास आ रही है उसमें भर नहीं सकते पीने के लिए, उसमें इतनी बास आ रही है। जो पीने का पानी है वो आप लोग कहाँ से इस्तेमाल कर रहे हैं? वही इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, वही पी रहे, क्योंकि साधन नहीं है हमारे पास कुछ। आपने जो ला के ना पी भाई लोग के लिए हम लोग आ दिए थे, तो आए जाने से इन बंद हो गए, बाथरूम का पानी है देखो उल्टा हो के 12 दिन हो गए हम लोग का, 12 दिन हो गए। और तौफीक भाई से पूछना मैंने कितने बार फोन की, राशिद को पूछना मैंने, लाके तुझे दिखाई कि नहीं दिखाई। जब ओवर हो गया ना, मेरे को बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैं ये काम कर दूँ, क्योंकि जब हम लोग अभी रमजान चालू होने वाला है, अभी शुभ रात आ रही, इतने बड़े रात आ रही, हम घर की साफ सफाई करा के क्या मतलब है? शाम को उधर तक जाता वो रोड से, वो बच्चे नमाज वगैरह पढ़ेंगे, गिरते पड़ते संडास का पानी लेके घर में आते, तो वही वो ड्रेनेज लाइन बंद होने की वजह से हम लोगों के घर के सामने पानी बह रहा है। आज 12 दिन हो गया ये जो पानी इधर बह रहा है, कितने दिनों से बह रहा है? 12 दिन हो गए, 12 से 15 दिन हो गए भाई। मैंने जानू भाई के यहाँ जो काम करते तौफीक भाई, मैंने उनको कितने बार फोन करी, 2-3 बार मेरा फोन उठा, उसके बाद से उन्होंने मेरा फोन उठाना बंद कर दिए। फिर मैंने राशिद को लाके दिखाई कि भाई देख, तो राशिद ने क्या बोला, मैं जा रहा हूँ भाई के पास में, शानू भाई के पास मैं जाके फिरोज को लेके आता हूँ। आज तक वो फिरोज कोई आया नहीं, और ये डाइनिंग लाइन पूरी बंद हो गई, कैसे हम लोग रहेंगे आप बताइए? जब हम बोल रहे तो हम गलत है, ये अपोजिशन की बात करते हैं, मैं अपोजिशन पार्टी से हूँ लेकिन मैं कुछ एक्शन लेती नहीं हूँ, क्योंकि हमको सब भाई लोग साथ में चाहिए। तो आपने सुना कि जिस तरह से ये आजाद नगर का एरिया है, यहाँ पर जो है काफी तकलीफें बताई जा रही है। यहाँ पर जो टीएमसी का जो शौचालय है इसको लेकर महिलाओं में काफी रोष है, और इसी तरह से आप देख सकते हैं यहाँ से जो है ये करीब 20 से 25 दिन से यहाँ पर ये गंदा पानी जो है यहाँ पर बह रहा है। इस वजह से यहाँ पर भी महिलाएं और बच्चे, यहाँ तक कि जो बाइक सवार होकर जाते हैं उनको भी स्लिप होने का काफी खतरा है, जो यहाँ पर गिर सकते हैं। इसी तरह से हम दिखा सकते हैं आपको यहाँ पर जो ये नाला है, इस नाले की कंडीशन आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये पूरा नाला जो है गंदगी से भरा हुआ है। यानी किसी भी तरह का यहाँ पर अगर बच्चे, यहाँ पर जो छोटे छोटे बच्चे ऐसे हैं जो खेलते वक्त जो है इस नाले में गिर सकते हैं। आगे आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरा का पूरा जो गटर खुला हुआ है, अगर कोई भी बच्चा उसमें गिरता है तो उसको चोट लग सकती है। लेकिन यहाँ पर जो है किसी भी तरह की, इस महिलाओं का कहना है कि किसी भी तरह की जो है इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। तो जैसा कि हम आपको दिखा रहे थे कि यहाँ पर किस तरह से महिलाओं की समस्या है, शौचालय, पानी, और जो यहाँ नाला था उस नाले के बारे में हम आपको बता रहे थे। लेकिन इसकी खबर जैसे ही यहाँ के स्थानीय नगर सेवक को लगी, वो फौरन हरकत में आए और यहाँ पर जो है काम कराने के लिए जो है जेसीबी मशीन भेजी है, जो नाले का काम फिलहाल जो है शुरू कर दिया गया है। हम आपको दिखा सकते हैं जो यहाँ पर एक चेम्बर था वो पानी से पूरा भरा हुआ था, जिसमें से पानी बह रहा था। फिलहाल देख सकते हैं आप, अब काम चालू होने की वजह से यहाँ से भी पानी अब पूरा निकल चुका है, और जेसीबी मशीन जो यहाँ पर लगाई गई है काम यहाँ पर चालू है। जो नाला भरा हुआ था उस नाले की सफाई यहाँ पर की जा रही है। जो यहाँ के नगर सेवक है मोहम्मद शाकिर, हम उनसे बात करते हैं। सर, जिस तरह से यहाँ महिलाएं जो है परेशान थी शौचालय को लेकर, पानी को लेकर, ये नाला जो है पूरा भरा हुआ था, तो जब मीडिया यहाँ पर आई उसके बाद जो है आप लोग हरकत में आए और ये साफ सफाई का जो है पूरा कार्य किया जा रहा है आज? देखिए, ऐसा नहीं है कि मीडिया मतलब आने से मतलब हम हरकत में आए बोलकर, काम तो चलते रहता है लेकिन कभी इसको कभी स्लो कभी फास्ट, ये चीज़ होती रहती है। और रही बात शौचालय को लेकर, तो शौचालय को लेकर हमने जो है हमारे जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कार्यकर्ता गोसावी सर, उनसे हमने कंप्लेंट की है
और हमने इसके पहले भी दो बार में हमने विजिट करने आए थे, कॉन्ट्रैक्टर सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, उसके हमने कंप्लेंट भी की और हमने कहा भी है कि कॉन्ट्रैक्टर को जो है उस पर सख्त कार्रवाई की जाए और उसके ऊपर मतलब उसको ब्लैकलिस्ट किया जाए। तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है गोसावी सर ने कि हम उसको जो उस पर सख्त कार्रवाई करेंगे और उसके ऊपर जो हम ब्लैकलिस्ट करेंगे। तीन महीना पहले हमको यहाँ के स्थानीय लोगों की कंप्लेंट थी कि मतलब शौचालय बना नहीं है, उसमें मतलब दरवाजे वगैरह नहीं थे, तो हमारे जो नगर सेवक शानू पठान हैं उन्होंने अपने पर्सनल जाती खर्चे से जो उसके दरवाजे लगवा के दे दिए थे, लेकिन फिर भी यहाँ के कुछ बच्चे हैं जो शरारत करते हैं जिससे कि दरवाजे मतलब टूट चुके हैं। और ये बात पानी का मसला है, तो पानी का मसला तो चल ही रहा है। पानी का मसला ऐसा है कि अभी देख सकते हैं कि अपने एक मोटर हमने यहाँ पर शानू भाई ने अपने जाति में से एक मोटर अपना एक बोरिंग लगवाई है, उसमें एक संपम्प संबल जीवर मोटर हमको लगवाना है जिनका ऑर्डर कंपनी में दे चुके हैं। 3 से 4 दिन में इंशाल्लाह मोटर भी लग जाएगी और कुछ हद तक जो यहाँ पर पानी का मसला जो है यहाँ के लोगों को लाइन अपर दे जाएगी बोरिंग की, जिससे जो है लोगों का पानी का मसला जो है इंशाल्लाह हल हो जाएगा। अभी जो ये नाला जो आप साफ सफाई अभी करवा रहे हैं, तो ये नाला कब तक बनकर तैयार हो जाएगा? क्योंकि ये नाला बार बार यहाँ के लोगों का कहना है कि बार बार ये नाला भर जाता है, जिसकी वजह से गंदगी होती है और आने जाने वाले लोगों को भी काफी तकलीफें होती है। जैसे कि वहाँ पर जो घर है वो लोग एक लकड़े का जो है पटरा रखे हुए उसके ऊपर से अपने घर पर जा रहे हैं नाले के ऊपर से। जी जी, देखिए कैसा है कि काम तो ये होगा और हमने इसको काम भी हमने बजट इसको बजट आ चुका है, लेकिन टेंडर प्रोसीजर है, प्रतिज्ञा रहती है, आचार संहिता लगी है, आचार संहिता जैसे ही लगा खत्म होती है टेंडर प्रोसीजर होकर इंशाल्लाह काम को हम शुरू कर दिया जाएगा और ये काम बहुत जल्दी ये ख़त्म भी हो जाएगा, उसमें कोई मसला। शौचालय का जो बात है, तो यहाँ पर 2 शौचालय है, तो कहीं जो शौचालय अभी फिलहाल चालू है, शौचालय में पहले महले पर महिलाएं जाती है और नीचे पुरुष का है, लेकिन वो ख़राब स्थिति है, पुरुष और महिला एक ही जगह जाती है, तो क्यों ना दूसरा शौचालय भी चालू किया जाए और एक महिलाओं के दिया जाए और एक जो है पुरुष के लिए किया जाए? देखिए वो जो डेढ़ शौचालय है उसका भी हमने इंजीनियर को लाकर सबका हमने सर्वे वगैरह कराया है, उनका भी खोलना ये है कि हमने उसको ले लिए हैं, लेकिन अभी प्रतिक्रिया अभी टेंडर प्रोसीजर में है, टेंडर प्रोसीजर हुआ नहीं है तो उसको भी काम को चालू कर दिया जाएगा और ये भी अभी तो इंशाल्लाह 10-15 दिन में ये शौचालय चालू हो जाएगा। तो हमारी कोशिश ये है कि वो जो शौचालय है उसको लेडीज़ किया जाए और एक शौचालय को जो जेंट्स किया जाए, ताकि यहाँ पर लेडीज़ महिला जो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें वो शौचालय यूज़ कर ले और ये शौचालय को जो है जेंट्स यूज़ करे। तो हमारी आगे की तैयारी ये है कि दोनों शौचालय अच्छे से सही तरीके से बन जाए, जिसमें लाइट पानी दरवाजे अपना टॉयलेट के जो भांडे वगैरह सब चीज़ बैठा कर जो उसको अच्छे तरीके से जो है यहाँ के रहवासी को जो सुपुर्द किया जाएगा और ताकि जो उनको अच्छे से अच्छा उनको यहाँ की फैसिलिटी मिल सके बोलकर। जो बिजली की बात आ रही कि शौचालय में बिजली नहीं, तो कब तक ये बिजली भी जो है लग पाएगी? इंशाल्लाह इसको हम दो चार दिन में इंशाल्लाह बिजली और ये जो शौचालय है जो अभी रनिंग शौचालय इंशाल्लाह इसका जो सारा काम है, कलर का काम है, दरवाजे है और अंदर जो भी रिपेयरिंग काम है इंशाल्लाह 10 से 15 दिन में उसको पूरा कंप्लीट करके पूरी कोशिश करेंगे। कहा जा रहा है कि ये जो नाला है ये पिछले 1-1.5 महीने पहले ये साफ हुआ था, लेकिन इसका कचरा यहीं पर छोड़ दिया गया था, जिसकी वजह से ये कचरा दोबारा इसमें आया। तो क्या ये जो आज साफ हो रहा है क्या ऐसे छोड़ दिया जाएगा, ये कचरा फिर लेकर जाएंगे आज? नहीं, ये कचरा तो अभी आप अगर थोड़ी देर रुक सकते तो आपको बता देंगे, जेसीबी डंपर हमारा दोनों खड़ा है, अभी जो है नाला साफ होगा जेसीबी डंपर के साथ में तुरंत कचरे को उठाया जाएगा, कचरा यहाँ पर रखा नहीं जाएगा। ये कचरे को जो हम यहाँ पर अभी तुरंत उठाएंगे, उसको यहाँ पर बैलेंस नहीं रखेंगे। आपने अभी देख लिया है कि वहाँ पर वो चैम्बर जो बह रहा था वो भी साफ हुआ है, इंशाल्लाह नाला भी पूरा साफ हो जाएगा और ये काम को पूरा अंजाम दी देगी। देखिए जो पानी की जो समस्या है, पानी की समस्या तो मतलब हमारे पूरे मुमरा कौसा में नहीं, हमारे पूरे थाना में ही है। तो ये जो अभी जो जैसे आपने कहा कि मतलब मीडिया आने से मतलब ये इलेक्शन का दौर है, जो यहाँ के जो हम जो अच्छा विकास के काम कर रहे हैं उमरा कौशल के अंदर उसको किस तरह डिस्टर्ब किया जाए बोलकर, अब ये जो महिला है रिजवाना चौधरी, ये जो शिवसेना के कार्यकर्ता हैं, अगर इनको अगर इतना ही अगर प्रॉब्लम है तो फिर वो भी अपने अपने आमदार और अपने खासदार को बोलकर जो है यहाँ पर अपने जाति पैसे से और जाति इससे जो है एक बोरिंग अपने का दो बोरिंग करवा के दे दीजिए, ताकि लोगों को जो है पानी की समस्या दूर हो जाए। लेकिन ठीक है, हम मानते हैं, लेकिन वो सबसे पहले अपने नगर सेवक से मिलेंगे ना? नहीं, नगर सेवक तो मिलेंगे, नगर सेवक तो हम तो काम कर ही रहे हैं। अगर नगर सेवक नहीं करेगा तो फिर वो जाएंगे खासदार के पास? नहीं, पहला उनका दायित्व तो क्या बनता है, अपने नगर सेवक से, स्थायी नगर सेवक से। स्थानीय नगर सेवक ने हमारे तो बोरिंग करके दिया है ना, अपनी जाति पैसे से बोरिंग करके दिए, दरवाजा लगवा के दिए, उन्होंने अपने जाति पैसे से काम करके दिए, खाली बस मोटर लगाना है, मोटर लगा के देंगे। अभी टैंक आपको पानी की समस्या दी, देखिए टैंकर भी आया, अभी हमने इनको बोला है कि अगर आपको जब तक पानी गंदा पानी आ रहा है जब तक नहीं आता है हम एक दिन अर्थ आपको टैंकर प्रोवाइड करके देंगे, ताकि टैंकर से लोगों को पानी मिले और उनकी पीने का पानी की समस्या जो उनकी दूर हो जाए। और बोरिंग के अंदर एक बार मोटर लग जाती है तो इनका दूसरा भी जो वापरने का पानी है वो समस्या भी इनकी दूर हो जाती है।
तो ये करी इनका कहना है कि आप शिवसेना से हैं तो कहीं ना कहीं ये नगर सेवक से आपने शिकायत की है तो कहीं ना कहीं फिर आप खासदार से भी शिकायत कर सकती हैं। नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मेरा कहना क्या है, मैं ये सोची ना कि जो अपने स्थानीय नगर सेवक है पहले उनसे बताना चाहिए ना, नहीं तो अगर हम डायरेक्ट जाएंगे तो क्या बोलेंगे, आपा तुम हमारे पास नहीं आए, तुम डायरेक्ट कैसे चलेगा, ऐसा एक बार हो चुका मेरे साथ। इसीलिए अब मैं जो भी बातें पहले इनके कान पर डालती हूँ, अगर आपसे नहीं होता तो मुझे बोलो, मैं खासदार के पास भी जाने राजी हूँ, महापुर के पास बोलो वहाँ भी जाने राजी हूँ, लेकिन आप मुझे बोलो तो सही कि भाई आपा हमसे नहीं होगा, ये आगे आप फॉलो करो, आप अपना काम करवा के लो तो मैं करूँगी ना, क्योंकि देखो सभी हमारे भाई बहन हैं, हम किसी से ऐब रखना नहीं चाहते और किसी को बुरा भला बोलना भी नहीं चाहते, सब अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन आपसे अगर नहीं होता तो मुझे बताओ ना, आप मेरी सुनवाई नहीं हो रही थी, मेरा फ़ोन उठाया नहीं जा रहा था, इस वजह से मुझे ये गुस्सा आया, तो मैं बोली कि जब तक अभी बोलूंगी नहीं, मीडिया बुलाऊंगी नहीं, तब तक कुछ काम होगा नहीं, क्योंकि मैं पागल दिखती हूँ, मेरे दरवाजे पे से इतनी गंदगी जा रही, उसमें छोटे छोटे मासूम बच्चे आ रहे जा रहे, आपको कैसे लगा आपने जब देखे तब? तो आपने सुना कि जैसे नगर सेवक शाकिर ने बताया कि जो है काम शुरू हो गया है, और जो यहाँ पर शौचालय है, दो शौचालय यहाँ पर है TMC का, उस शौचालय में एक कुछ दिन बाद जो है महिलाओं के लिए खोला जाएगा, फिलहाल के लिए 10-15 दिन बाद जो है शौचालय ये दूसरा वाला जो है चालू किया जाएगा, और बिजली भी इसमें मुहैया कराई जाएगी, जो महिलाओं की लगातार यहाँ पर समस्या आ रही थी उस पर जो है अब इनकी नज़र पड़ी हुई है। अब जब यहाँ पर महिलाएँ इस मीडिया के सामने आकर ये बात कहने लगी, उसके बाद कहीं ना कहीं जो है इन लोगों की नींद खुली और अब ये लोग हरकत में आए हैं, अब यहाँ पर जो है साफ सफाई का जिम्मा जो है ये लोग बाखूबी निभा रहे हैं, यानी कि जो यहाँ पर कचरा है उसको भी डंपर भी मंगाया गया है बाकायदा, उसमें डंपर में जो है कचरा भरकर ले जाने की, इसके पहले जब ये साफ हुआ था उस वक्त कचरा यहाँ पर छोड़ दिया गया था, जो कचरा फिर दोबारा उसी नाले में चला गया था, जिसके बाद नाले में जाने के बाद जो है फिर दोबारा से वो नाला भर गया था, उस चीज़ की वजह से लगातार समस्याएं आ रही थी। फिलहाल अब जो पूरा मामला सामने आ रहा है वो कहीं ना कहीं अब कार्य करते हुए नज़र आ रहे हैं। कैमरामैन रहमान के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुमरा।